The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is blood pressure? Blood pressure kya hota hai? Aur blood pressure aur heart rate ke beech ka difference kya hota hai? See, होता क्या है, ब्लड प्रेशर एक फोर्स है जिससे आपका आपके खून को आगे मूव होने के लिए ताकत मिलती है. अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो खून आगे मूव नहीं होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट दिमाग तक पैरों से ऊपर कैसे आएगा. ब्लड नीड्स अ प्रेशर, राइट. दो तरीके के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, राइट. और सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब हार्ट जो है पंप करता है. सिस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब भी हार्ट जो है वो पंप करता है, तो उस टाइम का प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है. तो हार्ट रिलैक्स करता है तो प्रेशर कम हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, राइट. होता क्या है, हार्ट रेट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज विथ ब्लड प्रेशर एट द सेम टाइम. इवन दो हार्ट रेट, हार्ट इज बीटिंग मोर टाइम्स अ मिनट, right, even though your heart is beating more times a minute, a healthy blood vessel can dilate, right. Heart ज़्यादा तेज धड़क रहा है लेकिन खून की नसें फैल सकती हैं और ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं. इसका क्या मतलब होगा कि हार्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर कम होगा क्योंकि खून की नसें डायलेट. हेल्दी ब्लड वेसल्स कैन बिकम लार्जर टू अलाउ द ब्लड फ्लो थ्रू मोर इजीली इन डिक्रीजिंग द प्रेशर. वॉट दैट मीन्स कि हार्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, दैट मीन्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ेगा जरूरी नहीं है, राइट. देन इट माइट, व्हेन यू एक्सरसाइज योर हार्ट स्पीड्स अप, राइट. हार्ट स्पीड्स अप सो दैट ब्लड कैन रीच योर मसल्स एट दैट टाइम ड्यूरिंग एक्सरसाइज. योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, योर हार्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, बट देन विद रिस्पॉन्स वॉट हैपन्स, आपकी खून की नसें रिलैक्स करती हैं बिकॉज इट कैन नॉट विदस्टैंड ब्लड प्रेशर. सो इट एडजस्ट. हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज कंटिन्यूसली हो रही है, उसके बीच में बॉडी एडजस्ट करती है, खून की नसें डायलेट होती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम आता है. सो व्हाट इज हैपनिंग, योर बॉडी इज एडजस्टिंग कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया फिर वो नॉर्मल ले आई. नाउ दिस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कैन हैपन इन पीपल, राइट, इन ओल्ड एज, इन स्मोकर्स, इन डायबिटिक्स, इन अदर पीपल विद अदर बीमारी, कोई और बीमारी में होता है, उन लोगों में फिर ब्लड प्रेशर एडजस्टमेंट नहीं होता, कम नहीं होता, तो बीमारियां आती हैं, राइट. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर योर हार्ट रेट टू डबल, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो सेफ. आपकी हार्ट रेट 60, 70, 80, 90 नॉर्मली रहती है. 60 to 100 इज योर नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट रेट, 60 to 100, बट इट शुड नॉट ऑलवेज बी अबव 100 और जस्ट 100, राइट. इट शुड बी बिलो 90, दैट इज द प्रेफरेबल थिंग. सो 90 के नीचे रहनी चाहिए या 60, 60 से 100 तक चल जाएगी हार्ट रेट, लेकिन वो डबल भी हो सकती है. यानी कि वो नॉर्मल अगर 60 या 70 है तो 140 रहेगी तो भी चलेगी, 160 भी हो सकती है कभी कभी, बट 150, 160 लगातार रहना इज बैड. वेन यू आर रनिंग फुल स्पीड आपकी हार्ट रेट 180, 200 तक जा सकती है, दैट इज ओके. बट वेन यू स्टॉप, हार्ट रेट रिलैक्स हो जाती है. दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ योर बॉडी, राइट. उस केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट रेट डबल हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए, राइट. ब्लड प्रेशर या थोड़ा सा ही बढ़े, हार्ट रेट डबल हो रही है, हार्ट से पंपिंग पावर बढ़ रहा है, जितना ब्लड भर रहा है, पंप भर रहा है, तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हार्ट रेट इतनी तेज धड़क रहा है कि भर ही नहीं पा रहा है, खून भर ही नहीं पा रहा है, तो ब्लड आके ठीक से पंप नहीं हो रहा, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया. सो हार्ट रेट टोटली अलग है, ब्लड प्रेशर टोटली अलग है, दोनों का थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है कि हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. सो हार्ट रेट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सिस्टम होता है, एक रिलेशनशिप, दैट इज डिफरेंट, बट दोनों को हम इंडिविजुअली देखना होता है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. When we talk about heart rate and exercise and blood pressure, you can also always often see कि heart rate will increase with exercise. धड़कन बढ़ेगी exercise होगा तो, और इसीलिए जब आप exercise करते हैं, जब आपका exercise test होता है, एक target heart rate देखा जाता है, आपको दौड़ाया जाता है treadmill पे और आपका, या cycle चलवाई जाती है और heart rate measure किया जाता है. So if you measure your heart rate, that is your pulse, आप अपना pulse देखते हैं, पल्स द, एंड बेसिकली
इफ यू मेजर योर हार्ट रेट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, तो आप नोटिस करेंगे कि इट इंक्रीजेस ओवर द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड आफ्टर रेस्टिंग इट डिक्रीजेस स्लोली. मतलब एक्सरसाइज से पहले दिल की धड़कन बढ़ती है, एक्सरसाइज के दौरान और बढ़ती है, एक्सरसाइज के बाद धीरे धीरे कम होती है. और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज होती है उतना ज्यादा हार्ट रेट, द मोर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज द मोर हार्ट रेट विल इंक्रीज. एंड वेन यू स्टॉप स्टॉप एक्सरसाइजिंग योर हार्ट रेट डज नॉट गेट यू नो नॉर्मलाइज इमीजिएटली. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू बैक टू नॉर्मल, राइट? एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर फिटनेस. द मोर फिट यू आर द सूनर द हार्ट रेट विल कम डाउन टू नॉर्मल. नाउ दैट्स वेयर इट काउंट्स. सम पीपल, कुछ लोगों को एक्सरसाइज के बाद हाफते रहते आधा घंटा, कुछ लोग ठीक हो मुझे कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं. तो द मोर फिट यू आर उतना आपका हार्ट रेट जल्दी एडजस्ट कर लेता है. नाउ दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हार्ट रेट एंड एक्सरसाइज. सो आप अगर देखना चाहते हैं आप फिट है कि नहीं, तो ये कंपेयर करें 10 लोगों से या 2 लोगों से कि वो जितनी जल्दी एक ही एक्सरसाइज एक ही पर्टिकुलर चीज करने पे हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाता है, आपका कितनी जल्दी होता है. दैट मीन्स आप उतने फिट नहीं हो, राइट? दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, दैट्स द मिथ. ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को एक नॉर्मल टारगेट नंबर पे होना चाहिए. 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए और हार्ट रेट तुम्हारा 72 एग्जैक्ट होना चाहिए. ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. होता क्या है, द गाइडलाइंस इज वो रेंज में होना चाहिए. मीन्स 60 to 100 के बीच में, 60 to 90, 60 to 100 के बीच में आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए. प्रेफरेबली 90 के नीचे, 100 भी कुछ लोगों की चलती है. और ब्लड प्रेशर जैसे हमने रेंज बताया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक वाला होना चाहिए 60 to 130 और डायस्टोलिक होना चाहिए आप सॉरी सिस्टोलिक होना चाहिए 90 to 120 एंड डायस्टोलिक 60 to 90. सो दैट्स द रेंज. सो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट अगर 125 आया तो हे भगवान मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अगर दिल की धड़कन 92 आ गई हे भगवान मेरी हार्ट रेट बढ़ गई, अगर दिल की धड़कन 52 आ गई अरे मैं तो मरने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा सोचना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. इफ दिस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर डेविएट्स फ्रॉम दिस नॉर्मल रेंज टेम्पररीली, देर हैज टू बी अ रीजन. इफ यू आर एक्साइटेड इट कैन गो अप, इफ यू आर रनिंग, इफ यू आर वॉकिंग इट कैन गो अप, इफ यू आर डिप्रेस, इफ यू आर स्लीपिंग वो कम आ जाएगी. अगर सो रहे हो तो धड़कन 40 तक भी जा सकती है. अगर सो रहे हो, अगर रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल ज्यादा डिप्रेस्ड हो तो बीपी भी कम हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं. बट दैट इज ऑल टेम्पररी, राइट? वो बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, वो आपको समझना होगा. इट डज नॉट मीन कि आपको हार्ट अटैक है, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है. रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ओके? जो एक मिथ है कि अगर ब्लड प्रेशर या पल्स रेट लो हो गया तो आपको कोई बीमारी है, ये गलत है. सो अगर कोई हेल्दी पर्सन है जो एथलीट है, एथलीट, उसका नॉर्मल पल्स रेट ही 60 के नीचे रह सकता है, 55, 56, राइट? एथलीट के पल्स रेट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल काफी लो रह सकता है, बिकॉज उनके हार्ट को आदत है बार बार ऊपर नीचे एक्सरसाइज करने की. बार बार वेन एवर दे आर एक्सरसाइजिंग दे आर इंक्रीजिंग देयर कार्डियक पोटेंशियल, हार्ट रेट, एंड देन रिलैक्सिंग. सो देयर हार्ट रिलैक्सेस मोर ऑफन एंड हैज अ यू नो अडेप्टेशन टू एक्सरसाइज. सो स्लोली क्या होता है, उनका बेस लाइन हार्ट रेट, बेस लाइन ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है इन एथलीट्स. सो कोई भी पर्सन हो जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट 50s में आ रहा है, 40s में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है, उनको कुछ प्रॉब्लम ही है. देर हैज टू बी अ रीजन. अब किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट ये है तो सोने पे उनका कितना कम हो जाएगा एथलीट्स का, सो यू कैन इमेजिन दैट. सिम्टम्स को जरूर देखा जाता है. अगर हार्ट रेट इतना सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है कि बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट रेट इतना कम हो रहा है कि ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है, देन देर इज सम प्रॉब्लम. देन अगर चक्कर आ रहा है देन देर इज अ प्रॉब्लम, और एल्स नो. ब्लड प्रेशर अगर बहुत लो हो रहा है, चक्कर आके गिर जा रहे हैं, देन देर इज अ प्रॉब्लम. ओल्डर पीपल में, हार्ट डिजीज वाले पीपल में 90/60 ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, राइट? कई बार फीमेल्स में 90/60, 80/60, 80/50 भी ब्लड प्रेशर रहता है, राइट? उनको कोई सिम्टम नहीं आता. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी साइज शेप बॉडी का, उस पर भी डिपेंड करेगा. 40 किलो के पर्सन के लिए 80/60 का ब्लड प्रेशर भी चल जाएगा, राइट? और एक 200 किलो के पर्सन के लिए वो ब्लड प्रेशर में उनको चक्कर आ जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के बीच में जो हमें डॉक्टर्स को कंसिडर करने चाहिए, राइट? देन क्या हार्ट हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है या हाई हार्ट रेट? सो आपको क्या लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाए
तो ज्यादा डेंजरस है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ज्यादा डेंजरस है। क्वाइट फ्रैंकली इसमें भी नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं, राइट, जैसे हमने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई हार्ट रेट में एक चीज डेंजरस है। दोनों ही चीजों में, राइट, अगर हम बात करेंगे, अगर कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, कंटिन्यूसली हाई हार्ट रेट रह रहा है, तो दोनों ही डेंजरस है। एलिवेटेड हार्ट रेट और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, उस केस में एलिवेटेड हार्ट रेट दूसरी बीमारियों को दर्शा सकता है, जो एक्यूट बीमारियां, इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, हार्ट के पल्स में रिदम प्रॉब्लम हो गया, अरिथमियाज हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ऐसी चीजें ज्यादा डेंजरस होती हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से भी, क्रोनिकली हाई ब्लड प्रेशर से आपको ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, दूसरी चीजें हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ स्लो साइलेंट किलर, राइट। सो ये दोनों चीजें जरूरी, लेकिन हाई हार्ट रेट, अगर हाई हार्ट रेट किसी सिंपल कारण से भी ज्यादा देर तक रहेगा, तो हार्ट थक जाएगा, फेल होने लगेगा, बिकॉज हार्ट थक जाएगा, मतलब आप जब दौड़ते हो, व्हेन यू आर रनिंग, दैट टाइम योर हार्ट रेट इंक्रीजेस टू 160, 180, 200, एंड अगर वो बिना दौड़े चलता रहे, मतलब हाउ मेनी आवर्स कैन यू रन? यू कैन नॉट रन फॉर मोर देन 1 आवर और 2 आवर्स। कंसिडर इफ योर हार्ट रेट इज हाई कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स, 160 की हार्ट रेट 24 आवर्स के लिए रहेगी, क्या हार्ट थकेगा? नहीं। वॉन्ट योर हार्ट बिकम यू नो फटीग्ड? थक जाएगा। कंटिन्यूसली हाई हार्ट रेट रहेगी तो हार्ट थक जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर, बोलेगा मैं नहीं खेल रहा, राइट, बोलेगा मेरे को नहीं जम रहा, अब मैं दम तोड़ रहा हूँ, छोड़ देगा। सो योर हार्ट विल बिकम दैट वे। सो दैट इज टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। टैकीकार्डिया मीन्स हाई हार्ट रेट। So that is very very important concept to understand कि continuously high heart rate, continuously high blood pressure is dangerous. So that's why जब भी heart rate या blood pressure high है, उसको intermittently 10-10 मिनट में, 20-20 मिनट में, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे में check करना होता है कि is it continuously high or not. अगर continuously high है, go to a hospital, go to an emergency, get medical treatment. That is the key here. कई लोगों को ये लगता है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेजर करने का कोई स्पेसिफिक टाइम है, कब मेजर करते हैं वो मैटर करता है, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे मेजर करेंगे, रात को 9 बजे मेजर करेंगे, दोपहर में 2 बजे मेजर करेंगे, तो कोई लेना देना है, दैट इज नो, नॉट लाइक दैट। आपकी हार्ट रेट जरूर थोड़ा वेरिएशन होता है कि इवनिंग टाइम पे बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स एंड मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा वेरिएशन रहता है जो नॉर्मल है, बट देन वो नॉर्मल रेंज में ही रहेगा, वो नॉर्मल रेंज तभी बनाया गया है, राइट। सो आपको ये समझना है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आपको मेजर करना है जब भी आप रिलैक्स्ड हो, जब भी आपके पास 10-15 मिनट, आधा घंटा है, रिलैक्स होइए 5 मिनट के लिए, देन मेजर योर हार्ट रेट एंड देन मेजर योर ब्लड प्रेशर। लोग कहते हैं द फास्टर योर हार्ट रेट इज द शॉर्टर योर लाइफ स्पैन इज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट रेट फास्ट रहती है, स्लो रहती है, तो लाइफ स्पैन पे मैटर नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ कैसा है। अगर आप रेगुलरली ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली डिक्रीज द चांसेस ऑफ योर कई सारी क्रोनिक डिजीजेज, बीमारियां। तो ये कोई फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, राइट, राइट। हार्ट रेट एक नॉर्मल रेंज में रहना एक इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट रेट लगातार 90 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, देन ऑब्वियसली आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, लेकिन इस नॉर्मल रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग द हार्ट एंड ओवर एक्सरसाइजिंग द हार्ट, राइट। ओवर एक्सरसाइज इज बैड फॉर द हार्ट ऑल्सो एंड मसल्स ऑल्सो, एवरीथिंग। अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं दोगे, ओवर एक्सर्ट करोगे, तो आपकी भी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली चीज है, भाई किसी साइकिल है, कोई कार है, 24 घंटे चलाओगे तो उसकी भी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। एवरीथिंग नीड्स रेस्ट, सो डज योर हार्ट।